हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्लव्स का रिव्यू। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने घर की सफाई के लिए अपने हाथों को ही गंदा करें, तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये ग्लव्स। वैसे आप वीडियो में देख सकते हैं इनकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, और ये देखिए दोनों हैंड्स के लिए हैं। ये देखिए आप इधर की साइड से भी, इधर ये लाइन्स बने इधर से भी पहन सकते हैं, और चाहे तो इधर ये फ्लावर का डिज़ाइन है इधर से भी पहन सकते हैं, दोनों साइड से आप इसे पहन सकते हैं। और इधर से पहना जाता है क्योंकि यहाँ से जो थंब का जो पोर्शन है ये बिल्कुल फिट बैठता है। तो इन्हें आप अपनी घर की सफाई के साथ साथ बर्तन, कार की सफाई किसी भी मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एकदम सूटेबल हैंड ग्लव्स हैं ये। तो देखिए एक तो ये हैं आपके, और इससे आपके हाथ भी बिल्कुल साफ़ एंड सेफ़ रहते हैं, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है हमारे हाथ जो होते हैं वो ठंडे और गर्म पानी की वजह से कट जाते हैं, क्योंकि हमें दोनों ही पानी यूज़ करने पड़ते हैं सर्दियों में। तो एकदम बिल्कुल साफ़ रहते हैं और आपके हैंड सेफ़ रहते हैं। एक आपका ये हो गया है, ये ग्लव्स हो गया है। दूसरा मैंने ये मैं ऑलरेडी यूज़ करी है, पिंक वाला मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया, लेकिन ये भी बहुत अच्छा ग्लव्स है। इस ग्लव्स के साथ साथ आप क्या कहते हैं घर के बर्तनों की सफाई के साथ अपनी सब्जियां भी आप इससे काट सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर वीडियो में दिखा रखा है आपको बर्तन की सफाई, आप सब्जी भी किस तरह से काट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से घर की सफाई, किचन टॉप, आपका कोई पोछा लगाने का काम, डस्टिंग का काम, वाइपिंग का काम, आपकी कोई कार क्लीनिंग है तो वो कर सकते हैं आप, और आपके बाथरूम की क्लीनिंग, आप कपड़े भी इससे बहुत आसानी से धो सकते हैं, आपके गार्डनिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों ही ग्लव्स बहुत अच्छे हैं, तो कोई भी काम जो है आप इसे कर सकते हैं। और ये देखिए ये दोनों ही ग्लव्स जो हैं स्ट्रेचेबल हैं। ये देखिए यहाँ से देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल ग्लव्स हैं, बहुत अच्छे ग्लव्स हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, ड्यूरेबल हैं, स्ट्रेचेबल हैं, आसानी से ये देखिए हैंड्स के अंदर फिट हो जाने वाले ग्लव्स हैं। एंटी बैक्टीरियल मटेरियल से बने हुए हैं और कोई भी इन्हें पहन सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी पहन सकता है। हैंड्स की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है, पूरा आपका एल्बो तक कवर करते हैं ये। तो ये मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम किचन में ग्लव्स भी पहनते हैं तो यहाँ तक ही होते हैं, यूज़ एंड थ्रो ग्लव्स जो होते हैं वो यहाँ तक होते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर हमारे ना यहाँ रैशेज हो जाती है सोप की वजह से। और एक सर्दियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट गिफ्ट है ये हमारे लिए, क्योंकि सर्दियों हमारे हैंड्स को बिल्कुल सॉफ्ट रखता है, गंदे होने से बचाता है, एंड आपको जो सर्दियों में ठंडे पानी में जिससे बर्तनों को साफ़ करने में बहुत ठंड लगती है तो उससे भी आपको बचाता है। ये देखिए सॉरी ये वाला मैं पहनती हूँ, दोनों पहन के दिखाती हूँ। तो दोनों ही बहुत अच्छे ग्लव्स हैं, इसका प्राइस भी मैं आपके साथ मेंशन करूँगी और आपको आगे वीडियो में भी पता लगेगा। ये देखिए बहुत फिट है, कंफर्टेबल है, कोई सा भी ग्लव्स आप किसी भी हैंड में पहन सकते हैं। ये देखिए ये हैंड इस वाले हैंड का है, और इसके अंदर क्या है पीछे की साइड इलास्टिक भी है। देखिए आप पहन करके इसको बिल्कुल फिट था, यहाँ से हिलता भी नहीं, हिलता तो वैसे वो वाला भी नहीं है, और देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल है और इजीली फिट हो जाता है आपके हैंड्स में, आपके घर के मल्टीपर्पज़ के लिए काम में आने वाले ग्लव्स हैं ये देखिए। और ऐसा नहीं है ईजिली निकल जाता है, इसमें तो ये इलास्टिक लगी हुई है तो ये बिल्कुल फिट है, नहीं होता है। एक ग्रिपिंग के लिए इसके अंदर वाले ग्लव्स में फाइबर भी लगा हुआ है, फाइबर कॉटन का कुछ लगा हुआ है, कपड़ा टाइप लगा हुआ है, वो मैं दिखा देती हूँ। इसमें नहीं है, ये उल्टा करेंगे तो इस तरह से, ये पीवीसी है, ये भी देखिए पीवीसी का है बाहर से, यहाँ से प्लास्टिक का है, और इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर ये कॉटन का कुछ फैब्रिक लगा हुआ है। अभी हमने बात कर ली इसको टेस्ट करने की, ये किस तरह के हैं ग्लव्स। ये देखिए ये तो हमने सब बात कर ली कि कितना अच्छा है, दोनों मैंने एक एक पहने हैं, इसके अंदर फाइबर का कपड़ा लगा हुआ है कुछ, तो अब हमें टेस्ट कर लेते हैं। ये ग्लव्स हीट रेजिस्टेंट है, इसे आप गर्म पानी से बर्तन वगैरह अपना कोई भी जो काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने इसको वैसे टेस्ट किया था, बाकी मैं भी आपके सामने ये देखिए टेस्ट कर देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने गीज़र के पानी से चेक किया है कि इसको, क्योंकि अगर हम ग्लास से चेक करेंगे तो कम गर्म होगा। बाकी मैं वो भी आपको आगे करके दिखाऊंगी ग्लास से। तो बिल्कुल फुल वाटर, जो गर्म पानी जो आता है गीज़र के अंदर, वो आ चुका है और मैंने चेक किया। तो इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, हॉट वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये निकाल मैंने इसलिए नहीं आया ताकि ये ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि हम एक नॉर्मल टेम्परेचर ही पानी को यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल फुल गर्म पानी है जिसे मैंने टेस्ट किया है। आगे अब मैंने ग्लास से भी टेस्ट करके दिखाया, वो आप चेक करें। तो देखिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं दोनों ग्लव्स को। ये हमारे पास देखिए गर्म पानी है, इसके ऊपर हम डालते हैं। बिल्कुल देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल स्टीम निकली है, अभी बॉयल है, मैंने केटली से भी निकाला। ये देखिए 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 अच्छा है, बहुत गर्म है। मैं इसी में डाल देती हूँ फुल। ये देखिए बिल्कुल दोनों ग्लव्स हीट रेजिस्ट है, दोनों को आप गर्म पानी से खूब अच्छे से काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे फील भी नहीं हो रहा अंदर की बहुत ज़्यादा गर्म है। और ठंडे पानी सबसे अच्छा है कि सर्दियों में आपको ठंडे पानी से बर्तन साफ़ करने में, कपड़े धोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट गिफ्ट है आपके विंटर्स के लिए। ये तो रहा आपका गर्म पानी का। और ये देखिए ये है हमारे पास आइस क्यूब्स, इनको भी हम होल्ड करके देखेंगे कितनी देर में हमें ठंड का फील होती है, कितनी देर में हमें ठंड का एहसास होता है। तो ये देखिए दोनों को मैंने पकड़ा, हल्का हल्का फील हो रहा है, लेकिन ये नहीं जितने हम देर काफ़ी देर तक हम इसको पकड़ के रखेंगे तो भी हमें ठंड नहीं लगेगी। तो हीट रेजिस्टेंट भी है, और आप इसे ये बर्फ़ के टुकड़े हैं इसको पकड़ के देखें तो इतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम नॉर्मल हैंड से पकड़ते हैं तो इतनी देर तक हम कंटिन्यू नहीं पकड़ सकते, और सर्दियों के दिन हैं तो वैसे भी नहीं पकड़ पाते हैं। तो बहुत अच्छे ग्लव्स हैं, ये मेरे ओल्ड ग्लव्स हैं, ये मैं इनको यूज़ कर रही थी, ये सॉरी नया वाला है। तो ये है देखिए पुराने ग्लव्स हैं, इनको मैंने यूज़ करते हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छे निकले इसलिए मैंने दूसरे मंगाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के ऊपर आप देख रहे हैं कि वीडियो मैंने कैसे सब्जी काटी है, कैसे बर्तन धोए हैं और कैसे क्या प्राइस है इसका, वो भी आपको ऊपर वीडियो में मेंशन हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।